हेलो दोस्तों, घर बनाते वक्त जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आज के डेट में लोगों को आ रहा है कि वो अपने खिड़की और दरवाज़ों के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करें। अभी जो ट्रेडिशनली अब तक हम लोग यूज़ करते आ रहे थे वो वुड यूज़ कर रहे थे। वुड के साथ अच्छी बात यह है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है और इसको हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग पेंट्स में, पॉलिश में इसको हम इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि ये मौसम के हिसाब से ये एक्सपेंड होता है और श्रिंक होता है, जिसकी वजह से इसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा कि एक टर्माइट एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। आप भले ही इसमें टर्माइट प्रूफ आप केमिकल भी यूज़ कर ले, इसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद इसमें टर्माइट लग ही जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अभी मार्केट में अलग अलग मटेरियल्स में डोर्स एंड विंडोज़ की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बनाई भी आती है और कुछ वो आप अपने हिसाब से साइट पर बनवा भी सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सारे मटेरियल्स पे, ताकि आपको अपने घर के लिए अपने बजट में और अपने डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा मटेरियल बेहतर रहेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर शुरू करते हैं, जो मार्केट में अभी अवेलेबल है WPC डोर्स एंड विंडोज़ के लिए फ्रेम्स भी आते हैं और उसके लिए पैनल्स भी आते हैं। अब WPC फ्रेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो WPC फ्रेम्स जो WPC नाम है जैसा सजेस्ट करता है कि वुड पॉलीमर कंपोजिट पैनल्स होते हैं इसके, और इसके प्रोफाइल्स भी होते हैं। वुड पॉलीमर कंपोजिट का मतलब हो गया कि इसमें 20% वुड होता है और 80% पॉलीमर मिला होता है, जिसकी वजह से इसमें प्लास्टिक की भी क्वालिटी है और कुछ वुड की भी क्वालिटी है। इसके प्रोफाइल्स आते हैं जो अलग अलग साइजेज़ में आते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोफाइल 5 इंच बाई 2.5 इंच में है, ये भी 5 इंच बाई 2.5 इंच में है, ये कुछ 4 इंच बाई 2 इंच में है, ये कुछ 3 इंच बाई 2 इंच में है और ये भी 3 इंच बाई 2 इंच में है। अलग अलग कंपनीज़ इन सारे प्रोफाइल को अलग अलग साइजेज़ में बना रही हैं आज के डेट। और इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन होता है, सिंगल पदाम का भी ऑप्शन होता है जिसमें एक पल्ला लग सकता है, और इसमें डबल पदाम का भी ऑप्शन होता है जिसमें हम चाहें तो दो पल्ला भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके हम लोग एडवांटेजेस की बात कर ले आज के डेट में, तो ये काफ़ी मजबूत है, ड्यूरेबल और यानी कि बहुत टिकाऊ भी है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट है, फायर रेसिस्टेंट है, टर्माइट प्रूफ है, ईजी टू मेनटेन है और ये कारपेंटर फ्रेंडली है, यानी कि इसके लिए अलग से आपको किसी एक्सपर्ट या टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल वुड के कारपेंटर से वही इसको लगा सकते हैं उसमें। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो ये डोर्स एंड विंडोज़ दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसके प्रोफाइल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसकी जो शटर होती है वो 18 mm, 25 mm और 30 mm में भी इसके शटर्स आते हैं, जिसमें आप ग्लास लगा करके नॉर्मल वुड की तरह ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने चॉइस के हिसाब से, या अगर आप इंटीरियर करवा रहे हैं तो उसके थीम के हिसाब से इसको आप पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश में या प्लेन आएगा तो उसमें अगर आपको वुडन का कुछ फील लेकर के आना है तो उसको आप उसके ऊपर पहले ग्रेन्स बनवाने पड़ेंगे, यानी कि वुडन का टेक्सचर बनवाना होगा, उसके बाद आप अगर पॉलिश करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपको जो वुडन पॉलिश का लुक होता है वो आपको ये देगा। इसके साथ में इसके साथ एक और ऑप्शन है कि आप इसमें नॉर्मल लैमिनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके चौखट के पैनलिंग के लिए आप 6 mm की प्लाई लगा करके उस पर भी अपने डिज़ाइन और थीम के हिसाब से आप लैमिनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें, तो अगर एक 7 फीट बाई 3.5 फीट का अगर सिर्फ फ्रेम की बात करते हैं, तो फ्रेम की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 6,000 रुपये। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 इंच बाई 5 इंच का, यानी कि ये साइज़ जो आप देख रहे हैं, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है और 5 इंच इसका इसकी लंबाई होती है, और लेंथ एज पर आपका जो डोर का साइज़ है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके कॉस्टिंग की बात करूँ, यानी कि इस प्रोफाइल में 2.5 इंच बाई 5 इंच में अगर आप अपने डोर का एक 3.5 फीट चौड़ा और 7 फीट जो कि जनरली यूज़ होता है वो आप बनाते हैं, तो आपकी 6,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी। उसमें अगर आप WPC का ही शटर यानी कि उसका पल्ला यूज़ कर करते हैं तो 7,000 रुपये उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, यानी कि ओवरऑल 13,000 रुपये इसकी एक डोर पे कॉस्टिंग आती है। उसके बाद आप इसमें लैमिनेट्स यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर पॉलिश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर इस सारे का अगर कॉस्टिंग को ऐड किया जाए तो ऑलमोस्ट 18,000 से 20,000 रुपये में आपका एक दरवाज़ा तैयार होता है WPC में। वहीं अगर विंडोज़ की बात करें, तो विंडोज़ अगर एक एवरेज साइज़ जो घरों में यूज़ होता है अगर उसको पकड़ लें, 5 फीट चौड़ा और 4 फीट अगर उसकी हाइट पकड़ते हैं, तो इसमें जो फ्रेम्स लगेंगी उसकी कॉस्टिंग आपको आएगी 5,000 रुपये, और जो इसमें पल्ले लगेंगे बीच में, जिसमें पल्ले के लिए आप इसके बोर्ड्स आते हैं, अगर 25 mm जो कि जनरली ठीक रहता है विंडो के पल्ले के पल्ला को बनाने के लिए यूज़ में, तो वो आपको आ जाएगा 4,500 रुपये। दैट मीन्स कि 9,500 रुपये में आपका एक 5x4 का विंडो तैयार हो जाता है। फिर उसके ऊपर आपका जो एडिशनल कॉस्टिंग आएगा उसके पेंट पॉलिश में, या उसके ऊपर अगर आप अगर लेमिनेट्स लगाना चाहें तो वो आएगा। तो एक ओवरऑल कंपैरिजन अगर हम लोग देख लेते हैं, तो मोटा मोटी 15,000 रुपये में आपका एक विंडो तैयार होता है WPC में।
उसके बाद जो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है अभी, वो UPVC डोर्स विंडोज़ है। UPVC अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसके जो प्रोफाइल्स होते हैं ये भी फैक्ट्री मेड आता है। कुछ ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि आपका घर का जब आप कि प्लस्तर हो जाता है तो प्लस्तर होने के बाद क्या है कि आप उनको ऑर्डर करते हैं तो उनके एक्सपर्ट्स आएंगे, उसका वो साइज़ लेंगे, और साइज़ लेने के बाद वो आपका विंडो वहीं फैक्ट्री में तैयार करते हैं और यहाँ ला करके सिर्फ उसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप WPC डोर्स या विंडोज़ को जब आप अगर आपको लगाना है तो उसमें जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं तो उसमें गैप्स ज़्यादा रह जाते हैं। यानी कि अक्सर जब आप अगर इसमें काम करवा रहे हो तो प्लस्तर करवाते वक्त आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसमें जो रेक्टेंगुलर शेप बनता है उसका वो बिल्कुल भी परफेक्ट 90 डिग्रीज में सारा कुछ होना चाहिए, जो कि मुश्किल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि प्लस्तर के वक्त ही आप उसमें ग्रेनाइट का या मार्बल का आप फ्रेम लगा लें, पट्टा लगा लें, सो दैट कि अगर उसमें कुछ भी बदगुनिया है या टेढ़ापन है तो वो उसमें ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको ये इंस्टॉल करने में बहुत इजी होगा। अब अगर साथ ही इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी मजबूत भी होता है, क्योंकि एक प्लास्टिक मटेरियल है तो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ड्यूरेबल भी है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट है क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है, फायर रेसिस्टेंट भी है, टर्माइट प्रूफ है, ईजी टू मेंटेन है, यानी कि इसकी साफ़ सफाई बिल्कुल आसान है। और इसको लगाने के लिए ये आपका कारपेंटर नहीं लगाएगा, जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के साथ ही आपको इसके लिए टेक्नीशियन कंपनी वाले ही प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उन कंपनी के ही लोग आएंगे और आपका जो साइज़ होगा उसके हिसाब से वो विंडो बनाकर या डोर लेकर आते हैं, उसको उस जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें पेंट पॉलिश की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली दो कलर में आता है, एक वाइट में आता है और वुडन के कुछ शेड्स में आता है, तो वाइट वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है और वुडन के शेड्स में जो आता है वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो इसमें आपको अलग से, चूँकि प्लास्टिक मटेरियल है तो इस पर आपको अलग से आप कर भी नहीं सकते, ना पेंट पॉलिश या लेमिनेट इस पर नहीं लगा सकते, तो इंटीरियर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास जो है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो लुक आता है बहुत हाई क्वालिटी, इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसका फिनिश बहुत ही हाई क्वालिटी होता है और रिच लुक देता है आपको। दूसरा जो इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, जैसे कि अगर आप रोड साइड रहते हैं तो वहाँ पर ना नॉइज़ का बहुत सारा इशू रहता है, तो इसमें ये नॉइज़ को ऑलमोस्ट 99% नॉइज़ को ये कंट्रोल कर देता है और डस्ट को भी कंट्रोल कर देता है। तो इसीलिए उन घरों के लिए जो बिल्कुल रोड साइड पे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर कॉस्टिंग की बात करें इसके हम लोग, तो इसमें अभी ब्रांडेड में भी आता है और नॉन ब्रांडेड भी आता है इसमें। अगर ब्रांडेड की बात करें तो 850 रुपये स्क्वायर फीट आपको स्लाइडिंग विंडोज़ का कॉस्ट पड़ेगा, या स्लाइडिंग डोर्स के लिए जो कॉस्टिंग आएगी वो 850 रुपये आएगी। यानी कि अगर विंडोज़ अगर आपका 5 फीट बाई 4 फीट का है तो दैट मीन्स कि 17,500 रुपये आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, जो कि कंपेयर टू WPC और वुड से काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी है जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ये आपको बहुत ही रिच और फिनिश लुक देता है। वैसे अगर आप नॉन ब्रांडेड की अगर बात करते हैं तो नॉन ब्रांडेड आपको पड़ता है 450 रुपये स्क्वायर फीट, जो कि ऑलमोस्ट आपको जो वुडन का जो कॉस्टिंग आता है वुडन डोर्स एंड विंडोज़ का या WPC डोर्स एंड विंडोज़ का उसके कॉस्टिंग में आपको ये आ जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे WPC डोर्स का ही फिनिश चाहिए और वही लुक चाहिए, तो उस केस में आप नॉन ब्रांडेड में अगर चले जाएंगे तो आपको उसी कॉस्टिंग में जो कि WPC और जो वुडन का कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आप ब्रांडेड में जाएंगे तो ऑलमोस्ट डबल का इसमें कॉस्टिंग पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम लोग तीसरा एक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है कि डोर्स एंड विंडोज़ के लिए मेटल में मैन्युफैक्चर्ड होकर ब्रांडेड कंपनी द्वारा ये आ गई है मार्केट में। इसमें अगर बात करें तो चूँकि इसमें होता क्या है कि दो शीट्स होती हैं स्टील की और उसके बीच में कुछ फिलिंग मटेरियल को डाल करके इसको फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है। यानी कि इसके लिए भी आप अपने कारपेंटर पे डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि आप सिर्फ अपने साइज़ के हिसाब से कंपनीज को ऑर्डर करते हैं और वो कंपनी आपके साइज़ के हिसाब से डोर्स एंड विंडोज़ दोनों को मैन्युफैक्चर करके आपके साइट पे इसके टेक्नीशियंस आते हैं और वो इसको इंस्टॉल करके चले जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारा एडवांटेज है इसमें, जैसे कि चूँकि ये स्टील में होता है तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आपको WPC और UPVC दोनों से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मॉइस्चर रेसिस्टेंट तो है ही, फायर रेसिस्टेंट भी है, टर्माइट प्रूफ है, ईजी टू मेंटेन है, और इसमें आपको पेंट एंड पॉलिश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनीज इसको कुछ वुडन फिनिश में या प्लेन फिनिश में भी इसको निकालती हैं। साइजेस भी आपको बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आप जो साइज़ बोलेंगे कंपनी उस हिसाब से इसका साइज़ तैयार करके आपको दे देती है। नॉर्मली 7 फीट 8 फीट 9 फीट लेंथ में इसके डोर्स आते हैं और विंडोज़ के लिए जो आपका विंडो होगा उस हिसाब से आप कंपनी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो उसको मैन्युफैक्चर करके इसको इंस्टॉल कर देती है।
इसकी भी फिनिशेस बहुत हाई क्वालिटी है, क्योंकि फैक्ट्री मेड है, मैन मेड नहीं है, तो क्वालिटी इसकी फिनिशिंग, इसकी जॉइंट्स बहुत ही ज़बरदस्त आती है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो अगर डोर्स की मैं अगर कंपेरिजन के लिए ले लूँ, अगर 7 फीट का डोर है और 3.5 फीट की उसकी चौड़ाई है, तो कॉस्टिंग अगर प्लेन फिनिश में जाते हैं तो आपको 17,500 रुपये में विथ ऑल द एक्सेसरीज, यानी कि इसके लॉक्स, स्टॉपर, इसमें वीप होल और जो भी एक्सेसरीज, इसमें जो कब्जे वगैरह जो लगते हैं, वो सारी चीज़ को ले करके ये आपको ओवरऑल 17,500 रुपये से इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी में आप अगर वुडन ग्रेन्स या वुडन फिनिश में थोड़ा आप जाना चाहेंगे तो ये लगभग 22,500 के आसपास इसका रेट पड़ता है। और उसमें इसमें कुछ इम्बॉस्ड भी आते हैं, यानी कि इसके पैनल प्लेन नहीं होकर के कुछ इम्बॉस्ड होंगे डिज़ाइन में, अगर उसमें आप जाएंगे तो 25-26 हज़ार रुपये तक आपको ये पड़ता है। इसमें और भी अगर आप अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिकेशन ऐड करवाना चाहें तो वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। और मेटल डोर्स आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है वो आपका एक्सटर्नल डोर के लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अगर वुडन डोर या WPC या UPVC डोर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक डाउट रहता है ना कि एक्सटर्नल डोर में सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, तो उसके लिए लोग अलग से स्टील का या फिर आपको लोहे में ग्रिल बनवाते हैं, जो कि उसके लुक को काफ़ी ख़राब कर देता है। तो मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो एक्सटर्नल डोर्स के लिए तो एटलीस्ट आप इसको कर ही सकते हैं, कॉस्टिंग भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट एक्सटर्नल डोर के अलावा भी आप अगर इंटरनल डोर्स में भी लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बढ़िया है आपके लिए। तो ओवरऑल हमने ये तीनों मटेरियल के ऊपर एक कंपैरिजन डाल दिया है, इससे आपको बेनिफिट होगा कंपेयर करने में, ताकि जो आपको अपने बजट में और जो आपका जो जो एक टेस्ट है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन टॉपिक्स पे आने वाली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।